सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय संध्या चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं फाफड़ा। ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। एक बार देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी फाफड़ा बनाने के लिए। बेसन लिया है 200 ग्राम, ये पहले से मैंने छान के रखा हुआ है। पापड़ खाड़ लिया है 1 चम्मच। अगर आपके पास पापड़ खाड़ अवेलेबल ना हो तो आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच। ऑयल लिया है बेसन में डालने के लिए 30 ग्राम। 2 पिंच हल्दी लिया है, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है। ऑयल लिया है फाफड़ा फ्राई करने के लिए। फाफड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन को गूंथना होगा। सबसे पहले पापड़ खाड़ में पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब आप बेकिंग पाउडर यूज़ करें तो फिर नमक भी डालना ज़रूरी होगा। पापड़ खाड़ पहले से काफ़ी नमकीन होता है, इसलिए मैं नमक यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, बेसन रख लेंगे इसमें, हल्दी रख लेंगे, अजवाइन लेंगे, हल्का सा इसको क्रश करते हुए डालेंगे। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। ऑयल डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है। पापड़ खाड़ वाला पानी डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए गूंथेंगे। एक बार पानी नहीं डालेंगे नहीं तो ये गीला हो सकता है। बेसन हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंथना है और ना ही बहुत ज़्यादा कड़क। बेसन को अच्छे से मैंने गूंथ के तैयार कर लिया है। अब इसको ढक के 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। बेसन गूंथ के रखे हुए 1/2 घंटा हो चुका है। इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे ऐसे। इसको हाथों से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। ये लोइयां मैंने तैयार कर लिए हैं। चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे, बेसन की एक लोई लेंगे, ऐसे रखेंगे और इससे प्रेस करते हुए इसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे ऐसे। ये मैंने स्केल लिया है स्टील वाला, इसको ऐसे करते हुए निकाल लेंगे। अगर ऐसे पॉसिबल ना हो तो बेलन से भी हम बेल सकते हैं ऐसे करते हुए। आपको जैसे सुविधा है वैसे बना सकते हैं, हाथों से प्रेस करके बना सकते हैं या बेलन से बेल के, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ऐसे ही करते हुए सारे फाफड़ा तैयार कर लेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे।
सारे फाफड़ा मैंने तैयार कर लिए। अब इसको फ्राई कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई में ऑयल रख के गर्म होने के लिए रखेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फाफड़ा रख के फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। एक बार में जितना आसानी से फ्राई हो पाएगा उतना ही रखेंगे। एक साइड से फ्राई हो जाने पर इसको पलट देंगे। दोनों तरफ से ब्राउन हो चुका है ये, इसको ऑयल से बाहर कर लेंगे। ऐसे ही करते हुए सारा फाफड़ा फ्राई कर लेंगे। इसको निकाल के किसी प्लेट में टिश्यू पेपर रख कर रखेंगे इसको, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए। फाफड़ा बनके बिल्कुल रेडी है, काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी बना है। आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। और आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।